इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले इंसानों ने मान लिया था कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है। वो मानते थे कि उनकी जैसी और नौ दुनियाएं भी है, जिनमें से एक दुनिया में उनके गॉड रहते हैं। फिर एक दिन अचानक बर्फीली और अंधेरी दुनिया यूतेनहाई से फ्रॉस्ट जायंट धरती पर आए, जिन्होंने इंसानों पर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक एक करके सभी नौ रियासतों पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर एस्गार्ड के किंग ओडिन इंसानों को बचाने के लिए धरती पर आए, क्योंकि उनका कर्तव्य नौ रियासतों में मासूम लोगों की रक्षा करना था। एस गार्डियंस और फ्रॉस्ट जायंट के बीच बहुत ही खतरनाक जंग हुई, जिसमें फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लोफी ओडिन से हार गए, जिससे ओडिन ने सभी फ्रॉस्ट जायंट्स को उनकी दुनिया में कैद कर दिया और उनकी ताकत का जरिया फ्रॉस्ट बॉक्स उनसे छीन लिया गया, जिससे दुनिया में वापस से शांति की स्थापना हुई। फिर एस गार्डियन वापस अपनी दुनिया एस्गार्ड में लौट आए। एस्गार्ड एक बहुत ही खूबसूरत और विकसित दुनिया थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओडिन ये कहानी अपने दो बेटे थोर और लोकी को सुना रहे होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें सभी मासूम लोगों की रक्षा करनी होगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हमें न्यू मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाके में एक वैन को दिखाया जाता है, जिसमें दो भौतिक वैज्ञानिक जेन और एरिक बोरेलिस प्रकार की घटना पर रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आसमान में जो अजीब सी लाइट दिखाई देती है उससे दो दुनियाओं में इधर से उधर जाया जा सकता है। उनके साथ एक इंटर्न भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है। तभी उन्हें आसमान में बहुत ही अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वो बहुत तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो बिजली एक बड़े से बाउंडर में बदल जाती है, जिससे उनकी गाड़ी के आगे एक इंसान आकर टकरा जाता है। फिर सीन एस्गार्ड पर शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अब थोर और लोकी बड़े हो चुके हैं। थोर बहुत ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होता है और उसके पास उसका हैमर भी होता है, जिसको मिन्योर कहा जाता है। वहीं लोकी की शक्तियाँ कम है, लेकिन वो जादुई शक्तियों में माहिर है। आज एस्गार्ड में सभी जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि थोर का आज राज्याभिषेक होने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एस्गार्ड के हथियार खाने में तीन फ्रॉस्ट जायंट घुस जाते हैं, जो वहाँ रखे फ्रॉस्ट बॉक्स को हासिल करना चाहते थे। लेकिन इस बात का पता ओडिन को चल जाता है और वो वहाँ डिस्ट्रॉयर को भेज देते हैं, जो उन तीनों फ्रॉस्ट जायंट्स को खत्म कर देता है। ओडिन अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि फ्रॉस्ट जायंट्स यहाँ कैसे घुस सकते हैं। थोर को फ्रॉस्ट जायंट्स पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए अपने डेड को कहता है कि हमें यूतेनहाई में घुसकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा है कि हम कमजोर हैं। लेकिन ओडिन उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, तो थोर उन्हें कहता है कि मैं नया राजा होने के मुताबिक ये हुक्म देता हूँ कि हमें यूतेनहाई पर हमला करना चाहिए। तो ओडिन उसे कहते हैं कि तुम अभी राजा बने नहीं हो। इससे थोर को बहुत गुस्सा आता है, वो काफी परेशान होता है। तभी लोकी उसके पास आता है और उसे भड़काता है। वो उसे कहता है कि अगर फ्रॉस्ट जायंट्स ने एक बार अगर हम पर हमला किया है तो दूसरी बार भी हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन तुम डेड की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इससे थोर को गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो यूतेनहाई में जाकर फ्रॉस्ट जायंट्स को सबक सिखाएगा। इसके लिए वो अपने दोस्त वोल्स्टेक, फ्रेंडल और सिप को भी मना लेता है। फिर वो सभी बायफ्रॉस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि वो इसी के जरिए दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। वो बायफ्रॉस्ट के जरिए यूतेनहाई पहुंच जाते हैं, जहां वो लाफी के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां फ्रॉस्ट जायंट्स की संख्या काफी ज्यादा होती है। इसीलिए थोर के सभी दोस्त कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। थोर भी उनकी बात मानकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फ्रॉस्ट जायंट्स थोर को कहते हैं कि तुम कायर राजकुमार हो, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। थोर को इससे काफी गुस्सा आ जाता है और वो सभी फ्रॉस्ट जायंट्स से लड़ने लग जाता है। थोर के दोस्त भी सभी से लड़ने लगते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, जिससे फेंडल जख्मी हो जाता है। यह देखकर थोर के सभी दोस्त उसे यहाँ से चलने को कहते हैं, लेकिन थोर जाने से मना कर देता है, तो अकेले ही वहाँ से जाने लगते हैं। यह देखकर लाफी अपना एक मॉन्स्टर उनके पीछे भेज देता है। वो मॉन्स्टर थोर के सभी दोस्तों को मारने लगता है, लेकिन तभी थोर उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देता है। लेकिन तभी सारे फ्रॉस्ट जायंट्स उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आने लगते हैं। तभी वहाँ ओडिन पहुंच जाते हैं। वो लाफी को कहते हैं कि सब खत्म करो, लेकिन लाफी ओडिन को कहता है कि आपके बेटे ने शुरू किया और उसे जंग या मौत चाहिए। यह कहकर वो ओडिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी ओडिन थोर और बाकी सभी को बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। फेंडल को इलाज के लिए लेकर जाया जाता है। ओडिन थोर पर बहुत गुस्सा होते हैं, तो थोर उन्हें कहता है कि अगर आप कदम उठाने से घबराएंगे तो सभी नौ रियासतें हम पर हंसेगी, इसीलिए कीमत चाहे जो भी हो दुनिया को मालूम होना चाहिए कि एस्गार्ड का नया राजा कायर नहीं है। तो ओडिन उसे कहते हैं कि तुम एक घमंडी और बेरहम लड़के हो। तो थोर अपने डेड की इंसल्ट करता है। वो उन्हें कहता है कि आप बूढ़े और बेवकूफ हैं। इससे ओडिन को बहुत बुरा लगता है और उन्हें एहसास होता है कि थोर राजा बनने के लायक नहीं है, इसीलिए वो थोर की सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं और उसे अर्थ पर भेज देते हैं। फिर वो थोर के हथौड़े को धरती पर यह कहकर भेज
भेज देते हैं कि जो भी इस हथौड़े के लायक होगा वही इसे उठा पाएगा और उसमें थोर की सारी शक्तियाँ आ जाएगी। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब जेन की गाड़ी से कोई आदमी टकरा गया था। इसका मतलब ये होता है कि और कोई नहीं बल्कि थोर होता है। वही दूसरी तरफ थोर का हथौड़ा यहाँ से 50 मील दूर पश्चिम में जाकर गिरता है। थोर गाड़ी से टकराने की वजह से बेहोश हो गया था, इसीलिए जेन उसे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो दूसरी दुनिया से आया है। वहीं थोर की जब आँख खुलती है तो अपने आसपास डॉक्टर को देखकर काफी घबरा जाता है, इसीलिए वो सभी पर अटैक करने लगता है लेकिन गार्ड उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि थोर का जहाँ हथौड़ा गिरा था वहाँ लोगों की लाइन लग जाती है। वो उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उस हथौड़े को नहीं उठा पाता। यहाँ तक कि वो गाड़ी से भी हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे उनकी गाड़ी भी टूट जाती है। तभी शील्ड के लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उस पूरी जगह को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि जेन और उसके साथी वापस अपने लैब में आकर अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस रात जो आसमान में बिजली दिखी थी वो दो दुनियाओं में आने जाने का रास्ता है। वो उस दिन की फोटोग्राफ्स देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि थोर भी दूसरी दुनिया से आया है, इसीलिए उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल निकलते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि थोर को उसकी हरकत की वजह से बेड से बांध दिया होता है लेकिन वो किसी तरह से बचकर वहाँ से निकल जाता है। जेन उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँचती है लेकिन वो देखती है कि थोर वहाँ नहीं होता। इससे वो काफी परेशान हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो पूरे शहर में उसे ढूंढ कर ही रहेगी क्योंकि उसके जरिए ही वो दूसरी दुनिया के बारे में पता कर सकती थी। वो वहाँ से निकलने लगती है लेकिन तभी थोर उसकी गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे अपने ऑफिस लेकर जाते हैं जहाँ जेन उसे पहनने के लिए कपड़े देती है। थोर उन्हें कहता है कि मुझे भूख लगी है तो फिर वो खाना खाने के लिए जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि लोकी हथियार खाने में जाकर फ्रॉस्ट बॉक्स को उठा लेता है जिससे वो फ्रॉस्ट जायंट में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट होता है। तभी ओडिन भी वहाँ आ जाते हैं। लोकी ओडिन से कहता है कि मुझे सच सच बताइए कि मैं कौन हूँ। तो ओडिन उसे बताते हैं कि जंग के खत्म होने के बाद जब मैं योटेन के मंदिर में गया तो मुझे वहाँ लाफी का बच्चा मिला जो बहुत ही बीमार और परेशान था जिसे उन्होंने मरने के लिए छोड़ रखा था और वो तुम थे। ये सुनकर लोकी काफी हैरान होता है। वो उन्हें कहता है कि आप योटेन के खून में सने हुए थे फिर भी आपने मुझे क्यों बचाया, जरूर आपका इसमें कोई मकसद होगा। तो ओडिन उसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि हम तुम्हारे जरिए संधि कर सकते हैं, शांति बनाए रख सकते हैं। तो लोकी उन्हें कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं एक चुराई हुई चीज हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। तो ओडिन उसे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया ताकि तुम खुद को थोर से अलग महसूस न करो। तो लोकी उन पर बहुत गुस्सा होता है। वो उन्हें कहता है कि आप मुझसे प्यार करने का जितना चाहे दावा क्यों ना कर ले लेकिन आप कभी फ्रॉस्ट जायंट को एस्गार्ड की गद्दी पर नहीं बिठाते। इन बातों से ओडिन को कुछ होने लगता है और वो गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। लोकी ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। वो गार्ड्स को वहाँ बुलाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जेन थोर को खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ थोर वहाँ आए लोगों की बात सुन लेता है जो उस हथौड़े के बारे में बात कर रहे थे जो स्पेस से गिरा था। थोर इससे समझ जाता है कि वो उसके हैमर के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए थोर उनसे पूछता है कि वो किस तरफ है। तो उसे बताते हैं कि वो यहाँ से 50 मील दूर पश्चिम की तरफ है। तो थोर उस तरफ जाने के लिए निकल जाता है। जेन उसे कहती है कि तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो। तो थोर उसे कहता है कि वो हमारा हथियार है और अगर तुम मुझे उस तक पहुँचा दोगी तो मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहती हो। तो जेन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन तभी सेल्विक जेन को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि ये थोर और मेन्योर की बातें कर रहा है जिनकी कहानियां मैंने अपने बचपन में सुनी थी, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। तो जेन उनकी बात मान लेती है तो थोर उन्हें अलविदा कह के अकेले ही वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जेन जब अपनी लैब में पहुँचती है तो वो देखती है कि शील्ड के लोग उसकी सारी रिसर्च और सामान लेकर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस हैमर का उनके साथ कोई कनेक्शन है। जेन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो उन्हें कहती है कि मैं इनकी मदद से कुछ कमाल की चीजों का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस घटना के बारे में जो कुछ भी जानती हूँ वो सभी इसी लैब में है। लेकिन शील्ड के लोग उसकी बात नहीं सुनते और उनका सारा सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इन सभी से वो तीनों काफी सेट हो जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि लोकी अब एस्गार्ड का नया राजा बन गया होता है क्योंकि ओडिन अब गहरी निंद्रा में चले गए थे। थोर के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि थोर का देश निकाला वापस ले लिया जाए। तो लोकी ऐसा करने से मना कर देता है। सिप को उस पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन सभी को उनकी बात माननी पड़ती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जेन अब डिसाइड करती है कि वो
थोर को उस जगह पर ले जाएगी ताकि थोर उसे उसकी दुनिया के बारे में सारी बातें बता सके। वो थोर को अपने साथ लेकर निकल जाती है। वो रात होते होते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि शील्ड ने उस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। थोर जेन को कहता है कि मैं एक बार मिन्योर हासिल कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें वो सारी चीजें लौटा दूंगा जो उन्होंने चुराई थी। यह कहकर वो वहां जाने के लिए निकल जाता है। वो एक एक करके सभी गार्ड को मारकर अंदर जाने लगता है। वो ऑलमोस्ट हेमर तक पहुंच जाता है लेकिन तभी वहां एक बहुत ही पावरफुल गार्ड आकर थोर को रोक लेता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है लेकिन थोर उस गार्ड को बेहोश कर देता है। फिर वो अपने हेमर के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं उठा पाता क्योंकि ओडिन ने कहा था कि इसे वही उठा सकता है जो इसके लायक हो। इससे थोर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शील्ड के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उसे पूछताछ करते हैं लेकिन थोर उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी लोकी थोर से मिलने आता है। थोर लोकी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो तो लोकी उसे झूठ कहता है कि अपडेट नहीं रहे क्योंकि वो तुम्हारे देश निकाले और एसगार्ड के नए हमले के डर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अब मैं एसगार्ड का नया राजा बन गया हूँ। तो थोर उसे कहता है कि क्या मैं घर वापस आ सकता हूँ लेकिन लोकी नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इसीलिए वो थोर से कहता है कि माँ ने तुम्हें घर लौटने से मना किया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोर बहुत दुखी होता है। वही हमें दिखाया जाता है कि जेन सेल्विक से कहती है कि हमें उसे बचाना ही होगा क्योंकि उसके जरिए ही हम दूसरी दुनिया में आने जाने के रास्ते का पता लगा सकते हैं। तो सेल्विक उसे बचाने के लिए शील्ड के एजेंट के पास जाते हैं। वो थोर की नकली आइडेंटिटी बताकर थोर को छुड़वा लेते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि लोकी लाफी से मिलने जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैं आपको और आपके सैनिकों को ओडिन के कक्ष तक पहुंचा सकता हूं, जहां जाकर आप ओडिन को मार सकते हैं और फिर मैं आपको वो फ्रॉस्ट बॉक्स लौटा दूंगा। लाफी भी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। वहीं थोर और जेन बॉनफायर के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं क्योंकि जेन अब थोर को पसंद करने लगी थी। थोर उसे उसकी डायरी देता है जिसे उसने शील्ड से आते हुए चुरा ली थी क्योंकि उसमें जेन की सारी रिसर्च थी, जिससे जेन बहुत खुश होती है। वो दोनों साथ में वही सो जाते हैं। वहीं थोर के सभी दोस्त बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनका दोस्त उनके पास नहीं था और एसगार्ड अब जंग की कगार पर था। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो थोर को ढूंढने के लिए अर्थ पर जाएंगे। वो अर्थ पर जाने के लिए हेमडाले के पास जाते हैं क्योंकि वही बाइफ्रोस्ट को कंट्रोल करता था। वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि लोकी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। थोर के दोस्त अर्थ पर पहुंच जाते हैं। लोकी को भी इस बात का पता चल जाता है। इसीलिए वो डिस्ट्रॉयर को जागृत करता है और उसे कहता है कि किसी भी हाल में मेरा भाई वापस लौटना नहीं चाहिए। वहीं थोर अब जेन के साथ बहुत खुश रहने लगा था। तभी थोर के दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। थोर उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। ये सब देखकर जेन बहुत हैरान होती है। थोर उन्हें कहता है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो थोर उन्हें कहता है कि तुम जानते हो हम घर नहीं लौट सकते क्योंकि मेरी वजह से ही हमारे पिता की मौत हुई है। तो शिव उसे बताती है कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। इससे थोर समझ जाता है कि लोकी ने उसके साथ साजिश की है। वहीं लोकी गुस्से में हेमडाले के पास जाता है तो हेमडाले भी गुस्से में लोकी से पूछता है कि तुम फ्रॉस्ट जायंट्स को एसगार्ड में कैसे लाए। तो लोकी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें बाइफ्रोस्ट के काम से निकालता हूँ। तो हेमडाले उसे कहता है कि फिर तो मुझे आपका हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। यह कहकर हेमडाले लोकी पर अटैक करने लगता है लेकिन लोकी फ्रॉस्ट बॉक्स से हेमडाले को बर्फ में जमा देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि डिस्ट्रॉयर धरती पर पहुंचकर सभी पर अटैक करने लगता है। थोर को इसके बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो जेन को सिटी के सभी लोगों को यहाँ से निकालने को कहता है। थोर के सभी दोस्त वहाँ मौजूद सभी लोगों को सिटी से बाहर निकालने लगते हैं। तभी डिस्ट्रॉयर वहाँ पहुंचकर सिटी में हमला करने लगता है। थोर के दोस्त उसे रोकने लगते हैं। शिव डिस्ट्रॉयर के सीने में भाला घुसा देती है लेकिन डिस्ट्रॉयर को कुछ नहीं होता और वो शिव पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। डिस्ट्रॉयर अपनी पावर से उन सभी पर अटैक करने लगता है जिससे वो सभी घायल हो जाते हैं। थोर डिस्ट्रॉयर की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो जानता था कि लोकी उसे देख रहा होगा। इसीलिए वो लोकी को कहता है कि हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ आज तक जो भी गलत किया है उसकी सजा इन बेकसूर लोगों को मत दो, तुम चाहो तो हमें मार दो। तो लोकी थोर पर अटैक नहीं करता लेकिन वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे थोर दूर जाकर गिरता है। वो बहुत इंजर्ड हो जाता है। जेन भागते हुए उसके पास आती है लेकिन तभी थोर अपना दम तोड़ देता है। जेन इससे काफी दुखी हो जाती है। ओडिन भी निंद्रा में ये सब देख रहे होते हैं और अब उन्हें भी एहसास हो जाता है कि थोर अपनी शक्तियों के लायक बन चुका है। इसीलिए थोर का हथौड़ा उड़कर वापस थोर के पास आ जाता है जिससे थोर की शक्तियाँ वापस उसके पास आ जाती है। सभी इससे काफी खुश होते हैं। डिस्ट्रॉयर उस पर अटैक करने लगता है लेकिन थोर उसे बहुत मारता है और वो अपनी पावर से उसे खत्म कर देता है।
है। अब जेन और सेली को भी विश्वास हो जाता है कि थोर सच में बिजली का देवता है। थोर अपने दोस्तों को कहता है कि हमें बाइफ्रोस्ट की तरफ जाना होगा क्योंकि मुझे लोकी से बात करनी है। तभी वहाँ शील्ड के ऑफिसर आ जाते हैं। वो थोर से कहते हैं कि तुमने हमें सच नहीं बताया। तो थोर उसे कहता है कि हम दोनों का एक ही मकसद है और वो है दुनिया की हिफाजत करना। और आज से तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जेन की सारी चीजें लौटानी होगी। तो ऑफिसर भी मान जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि लोकी अपने साथ लाफी और उसके सैनिकों को लेकर आ गया होता है ताकि वो ओडिन को खत्म कर सके। वहीं जेन और बाकी सब बाइफ्रोस्ट की तरफ पहुंचते हैं, जहां थोर हेमडाले को आवाज लगाने लगता है कि बाइफ्रोस्ट खोल दो। वो जोर से चिल्लाने लगता है। हेमडाले भी ये सब सुन रहा होता है, जिससे वो अपनी ऊपर जमी हुई बर्फ को तोड़ देता है और वहाँ मौजूद दो फ्रोस्ट जायंट को खत्म करके बाइफ्रोस्ट का दरवाजा खोल देता है। थोर जेन को कहता है कि हमें वापस एसगार्ड जाना होगा, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए लौटकर जरूर आएंगे। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। थोर और उसके दोस्त एसगार्ड पहुंच जाते हैं। लाफी ओडिन के कक्ष तक पहुंच जाता है, जहां वो जैसे ही ओडिन को मारने लगता है, लेकिन तभी लोकी वहां आकर लाफी को मार देता है। इसका मतलब ये होता है कि वो लाफी से अपना बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने ये सारी साजिश रची थी। वो लाफी को जान से मार देता है और अब वो यूतेनहाई को भी खत्म करना चाहता था। तभी वहां थोर पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थोर उस पर वार करके यूतेनहाई को खत्म करने के लिए निकल जाता है। वो बाइफ्रोस्ट से यूतेनहाई पर अटैक करने लगता है। थोर लोकी के पास पहुंचता है। लोकी थोर को कहता है कि तुम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि बाइफ्रोस्ट जब तक बढ़ता जाएगा तब तक यूतेनहाई बर्बाद न हो जाए। थोर उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो लोकी उसे बताता है कि मैं पिताजी को साबित करना चाहता हूँ कि मैं उनका लायक बेटा हूँ, और जब वो उठेंगे तब तक मैं उन सभी राक्षसों की नस्ल मिटा चुका होगा और मैं ही गद्दी का असली वारिस बनूंगा। तो थोर उसे कहता है कि तुम एक पूरी नस्ल को खत्म नहीं कर सकते। तो लोकी थोर पर अटैक करने लगता है। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। थोर लोकी को पकड़कर बाहर ले आता है, जहां लोकी अपने जादू के इल्यूजन क्रिएट करके थोर पर अटैक कर देता है। तो थोर अपनी पावर से उस पर अटैक करता है और अपना हैमर लोकी के सीने पर रख देता है, जिससे लोकी उठ नहीं पाता। लोकी थोर को कहता है कि तुम कुछ भी करके यूतेनहाई को नहीं बचा सकते। तो थोर अपना हैमर लेकर उस ब्रिज को ही तोड़ने लग जाता है, जिससे ओडिन की भी आंख खुल जाती है। ये देखकर लोकी थोर पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो पुल टूट जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो पूरा बाइफ्रोस्ट बर्बाद हो जाता है। लोकी और थोर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी ओडिन वहां आकर उन्हें बचा लेते हैं। लोकी ओडिन को कहता है कि मैं कर सकता था। तो ओडिन उसे कहते हैं कि तुम गलत कर रहे थे। तो लोकी अपना हाथ छोड़ देता है, जिससे उसकी नीचे गिरकर मौत हो जाती है। वहीं जेन थोर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन थोर वापस नहीं लौटता। तो वो समझ जाती है कि वो चला गया है। वहीं दिखाया जाता है कि एसगार्ड में अब सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोर थोड़ा उदास होता है क्योंकि वो जेन से किए हुए वादे को नहीं निभा पाया था कि वो लौट कर वापस जरूर आएगा। थोर अपने डेड के पास जाता है। ओडिन उसे कहते हैं कि तुम एक समझदार राजा बनोगे। तो थोर उन्हें कहता है कि आपसे अच्छा राजा और पिता कोई हो ही नहीं सकता, और मुझे अभी भी आपसे बहुत कुछ सीखना है, जिससे शायद किसी दिन आपको आपके इस बेटे पर नाज होगा। तो ओडिन उसे कहते हैं कि मुझे पहले से ही तुम पर नाज है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेन अब वापस अपने काम में लग जाती है और अभी भी वो थोर को ढूंढती रहती है। थोर भी ऊपर से उसे देख रहा होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।